तो इस वीडियो में हम देखने वाले इंस्टाग्राम की ट्रिक्स एंड टिप। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ये सारे इंस्टाग्राम की ट्रिक्स बहुत ही नई है। टेक्निकल बनता है तो टेक बनता है। बिना इंस्टाग्राम को ओपन करके आप इंस्टाग्राम पर स्टोरीज रखना चाहते हो, उसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक करना है। इंस्टाग्राम को लॉन्ग प्रेस करें, उसके बाद कैमरे वाले ऑप्शन पर भी लॉन्ग प्रेस करें, फिर आपके सामने इंस्टाग्राम कैमरे वाला आइकन होम स्क्रीन पर ऐड हो जाता है। तो दोस्तों इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंस्टाग्राम स्टोरीज रखने का सेक्शन आ जाता है। जैसे दोस्तों आप इंस्टाग्राम के लिए स्टोरीज रख सकते हो, आपको बार बार एप्लीकेशन ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों आपके घर में कोई छोटे बच्चे और वो इंस्टाग्राम पर रील्स को बहुत ज़्यादा देखते हैं, अगर आप चाहते हैं उन्हें सेंसिटिव या अडल्ट टाइप के कंटेंट शो ना हो, इसके लिए आपको ऊपर 3 बार पर क्लिक करना है। सेटिंग में जाए, अकाउंट पर क्लिक कर देना है, सेंसिटिव कंटेंट कंट्रोल पर क्लिक करें। यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट में ऑप्शन मिल जाता है लिमिट इवन मोर, उस पर क्लिक कर देना है। इसे क्लिक करने के बाद उसे दोस्तों सेंसिटिव टाइप के कंटेंट शो नहीं होगा। तो आप इंस्टाग्राम पर किसी से भी चैटिंग करते हो और आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर पर्सन जब भी आपको मैसेज करे या कॉल करे उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, इसलिए दोस्तों ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं, वही दोस्तों म्यूट मैसेज एंड म्यूट कॉल नोटिफिकेशन। इसे एनेबल करने के बाद वो पर्सन आपको जब भी मैसेज या कॉल करेगा उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। तो आप इंस्टाग्राम को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो और आप चेक करना चाहते हो कि आप इंस्टाग्राम पर कितना ज़्यादा समय बिताते हो, तो इसे देखने के लिए ऊपर 3 बार पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद योर एक्टिविटी पर चले जाना है, यहाँ पे 1st ऑप्शन मिल जाता है, वही दोस्तों टाइम स्पेंड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप इंस्टाग्राम पर लास्ट वीक में कितने टाइम स्पेंड किया वो शो किए जाते हैं। ऊपर दोस्तों आपको डेली एवरेज भी शो किया जाता है। इंस्टाग्राम पर शाउट आउट देने का एक नया तरीका, जिसको भी शाउट आउट देना चाहते हो उसके अकाउंट में चले जाना है। ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करें, शेयर दिस प्रोफाइल पर क्लिक करें, उसके बाद ऐड प्रोफाइल टू योर स्टोरी पर क्लिक करें। अभी दोस्तों आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि फॉलो दिस अकाउंट। इसी तरह दोस्तों आप किसी भी पर्सन को शाउट आउट दे सकते हो। पहले दोस्तों अकाउंट मेंशन करने का फीचर था, लेकिन नए अपडेट की वजह से आप कुछ इस तरह से शाउट आउट दे सकते हो।